जब वो बात मारेगा तब ना। तो मतलब आज का शाम का चाय मस्त होने वाला है, ठंडा। अरे बाबा अभी हम तुमको नहीं ले जाएंगे। तो अब बन ही गया है, मतलब अब गली। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है 15 तारीख और ब्लॉग का शुरुआत कर रहे शाम को 6:30 बजे। तो अभी मतलब अभी तो घर ही पे हैं, और वैसे तो आपको आज घर ही का ब्लॉग दिखेगा इसमें, आज फैमिली के साथ। मतलब हाँ वही फैमिली के साथ जैसे इन्होंने बोला। ये देखो रील चल रहा है। रील ही तो लाइफ हो गया है यार आजकल का, सब लोग रील ही चलाता है। ये देखो इसका क्या चल रहा है, देखो देखो डीजे को, देखो डीजे को, देखो हे डीजे। हमेशा हमेशा मतलब बाहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। रे तुमसे नहीं जाएंगे अभी, अभी टाइम नहीं हुआ है तुम्हारा, 9 बजे जाएंगे, 9 बजे। हाँ ठीक है। अरे बाबा अभी हम तुमको नहीं ले जाएंगे, बताओ। हमेशा मतलब चेहरा पर आ जाता और बोलता कि घुमाने ही ले चलो। बढ़िया है इन्फोसिस। अच्छा तो अभी इसको नहीं ले जाएंगे, इसको समझ ही में नहीं आता, बोलते रहते हैं समझता ही नहीं है। देखो 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 चढ़ता है खाली, इधर देखो। ये देखो ये क्या देख रहा है, ये देखो इधर चल रहा है भाई, इधर चल रहा है क्या बोलते हैं गांव स्टाइल में चाय बनाने का, मतलब इसको कहा जाता बोरसी। नहीं चूल्हा, चूल्हा है। अच्छा चूल्हा है, मिट्टी का बोरसी चुला। ना अच्छा नहीं बोर मिट्टी का चूल्हा ले लिया, मतलब गांव से लाई है ना। हाँ। सोचो गांव से मिट्टी का चूल्हा लाई है सिर्फ यही सब करने के लिए, चाय बनाने के चाय बनाने के लिए, वो भी एकदम क्या बोलते हैं गांव स्टाइल में, मतलब मस्त। तो आज चाय बन रहा है इस पर, और बनाने के लिए है हमारे पास दो शेफ, एक मेरी आंटी, एक मेरी बड़ी बहन। कॉमेडी कर दी पूरा। तो अभी बन रहा है। अरे यार तुमको क्या तकलीफ है। तो मतलब आज का शाम का चाय मस्त होने वाला है, ठंडा है, मतलब आज उतना भी नहीं है फिर भी चाय तो भाई मस्त है। और इसको देखो बैठ गया चुपचाप से, हो गया इसका काम खत्म, दौड़ना भागना सारा। तो भाई चाय पत्ती तो डला दिया, लगता है तो जल्दी तैयार होने वाला है। तो होगा थोड़ा देर में होगा तैयार, देखो कितना लेट लगता है। जब उबाल होने का तब ना, तो उतना लेंगे। चीनी भी डाला गया, बस अब उबलना बाकी लगता है चाय को, तो बस उबलना बाकी है चूल्हा से। चो पीजे को डीजे, वही डीजे डीजे देखेगा, नहीं पिएगा सोया हुआ है। तो भाई चल के पहले जैकेट पहन लिया था, ठंडा है बाहर, हाफ पहने हुए थे क्योंकि रजाई में बैठे हुए थे, तो अभी चल के जैकेट पहन लेते हैं पहले। तो जैकेट डाल लिया भाई, अब ठंडा नहीं लगेगा, अब चल के बाहर ही बैठा जाए बाहर, क्योंकि अभी थोड़ा मॉल बढ़िया है, कोई तो झांक रहा है। तो अब बन ही गया है, मतलब अब उगल ही है, पहली बार ट्राई किया गया है घर पे चूल्हा पे चाय, अभी तक तो सिर्फ गैस और इसको क्या बोलते हैं इंडक्शन पर ही बनता था, पर पहली बार चूल्हा पे बन रहा है चाय। पीने वाले इतना हाँ, और पीने वाले भी बहुत लोग हैं, पीने वाले अपने घर में 8 लोग है ना, 7 लोग पीने वाले हैं। तो खोल गया, अब उतरेगा चाय, देखो पूरा काला काला कर दिया सस्पेन को, यही तो होता है भाई चूल्हा का चाय में।
तो भाई चाय तो बन गया, अब इसको ताप लिया जाए 165 क्योंकि लकड़ी लकड़ी और आग बहुत है। लड़की लोग आ गए, ठंडा का भी दिन है तो मस्त आग तो ताप लिया जाए। तो भाई गरम गरम चाय आ चुका है, हाँ उसका भी तो गरम गरम चाय आ चुका है और सामने आग भी जल रहा है तो आग भी तपा जा रहा है मस्त। तो भाई मतलब कितने सालों बाद बोरसी का चाय पिए मस्त। अरे भाई मिट्टी के चूल्हे का चाय, नॉट बोरसी। अरे भाई सॉरी, मिट्टी के चूल्हे का चाय पिए तो मस्त है। दोस्तों तो अभी अभी आग ताप रहे थे लेकिन अभी नाश्ता का भी एक आ गया फरमान कि नाश्ता रेडी है, तो नाश्ता देखते हैं क्या बनाया आज। तो गाइस ये तो पूरा पहाड़ वाला वाइब हो गया, आग भी है मतलब जैसे कैसे स्नोफॉल में कोई घूमने उमने जाता है। मैगी भी बन गया, चाय भी पी लिए और ये भी हो गया। तो तू क्या कर रहा है? उसे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है या फिर देना ही नहीं है मतलब उसको मैगी भी, इसलिए उसको कुछ नहीं खाना है। तो फटाफट से मैगी ख़त्म करते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई अंदर रूम में। तो भाई रूम में आ चुके हैं, जितना देर तक फन था बाहर था, अब ठंडा लग रहा है तो अब रजाई में बैठेंगे। तो बज चुका है 9 और अभी हम चले भाई डीजे को घुमाने, और डीजे को देख सकते हो तुम लोग सोया हुआ है बेड पे। पर उससे पहले हम थोड़ा टोपी पहन लेते हैं क्योंकि बाहर थोड़ा ठंडा है, डैट्स वाई बहुत ज़रूरी है भाई टोपी। चल रे बाबा तेरे को लेके जा रहा हूँ, चल चल। तो लौट चुका है अभी ये घर की ओर, चलो 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 जाओ। तो भाई अब अपना भी खाना पीना होगा और फिर चला जाएगा सोने, तो मिलते हैं आप लोग से कल सुबह डायरेक्ट। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज हो चुका है 16 तारीख, तो 2 दिन बचा है बस इवेंट का और अभी हम धूप में बैठे हुए हैं। रोज़ का रूटीन का यही है कि 1 घंटा कम से कम धूप में बैठते हैं, थोड़ा मतलब ठंडा का दिन है तो, और उतना अभी ठंडा नहीं है वैसे रांची में, सही बताया तो मतलब 3-4 दिन से अभी कम है। देखो आज तो हवा चल रहा है भाई, तो अभी निकलेंगे वैसे आज शाम में जाना है, जो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा कि कहाँ जा रहे हैं। कल का ब्लॉग देखिएगा मस्त आएगा। तो अभी तो वैसे फ्रेश व्रेश हो चुके हैं और आज का ब्लॉग को हम एंड करेंगे अभी, अभी मतलब धूप में बैठे हुए हैं, अभी जाएंगे नीचे अब थोड़ी देर में। तो आज का ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग पे। तो लाइक से सब्सक्राइब पसंद आया तो।